रीवा जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर शांति व्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है, जहां अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए रीवा पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसमें अब गुंडों बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या में अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, वहीं उनके ऊपर NSA की कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रीवा पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है, जहां करीब 2 दर्जन की संख्या में घूमने वाले बाइक सवार युवक आए, जो दिन में मारपीट और बलवा कर शांति व्यवस्था भंग करते हैं। हालांकि दिन में कई घटनाएं भी सामने आई, जिस पर पुलिस अब अपराधियों की सफाई के लिए एक्शन मोड में आ गई है। SP नवनीत भसीन ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया। शहर में आतंक फैलाने वाले बाइकर गैंग की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार धरपकड़ कर रही हैं। इस टीम में साइबर सेल को भी शामिल किया गया है, जो कि अपराधियों की लोकेशन ट्रेस कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सभी अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीम ने बकायदा अपना चार्ट बनाया कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, प्लस उनके यहाँ कौन कौन लोग हैं जो प्रभावित उनसे हुए हैं। तो इस प्रकार जो उनके जो गैंग्स टाइप के बनाने की चलन दिखे हमको, उसको हम लोगों को लगा कि इन बच्चों को भी इससे दूर करना आवश्यक है, और जो गैंग लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है।